अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो आठवीं जमात के लिए है। आपकी दर्सी किताब अपनी जबान से सफा नंबर 111 पर सबक नंबर 17 रफी अहमद कुदवाई। रफी अहमद कुदवाई हिंदुस्तान के मशहूर रहनुमाओं से एक थे। वो मादरी वतन के एक सच्चे बेलौस और बहादुर सपूत थे। 18 फरवरी 1894 को एक मकाम मसूली ज़िला बाराबंकी में वहाँ पैदा हुए। इब्तदाई तालीम उस वक्त के रस्म व रिवाज के मुताबिक घर पर हुई। उसके बाद गांव के प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया। बाराबंकी से हाई स्कूल का इम्तहान पास किया। आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए, जहां उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही थी, जिसका नाम था तहरीक दर्द मवाला। उस तहरीक में हिस्सा लिया। सजा के तौर पर कॉलेज से निकाल दिया गया, एक साल के लिए जेल भेज दिए गए। यहीं से उनकी सियासी जिंदगी का आवाज होता है। जब एक साल के जेल गए तो फिर उनकी सियासी जिंदगी शुरू हो गई और उन्होंने पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू की रफाकत और उनकी सरपरस्ती में सियासी तरबियत पाई। इसके बाद उनको कौम की खातिर 5 बार जेल भी गए रफी अहमद कुदवाई। जब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो वज़ीर मवासलात और वज़ीर ग़िज़ा बनाए गए। वज़ीर मवासलात कहते हैं डाक और तार का महकमा जिनके पास होता है, जिन्हें बहरहाल वज़ीर ग़िज़ा यानी फूड मिनिस्टर बनाए गए। अब वो इस्तकलाल के पहाड़ थे, एक अमली इंसान थे, हर वक्त मसरूफ रहते थे। जब वज़ीर मवासलात बनाए गए तो उस वक्त आपको पता है कि पुराने ज़माने में टेलीफोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, और एक जगह से दूसरी जगह खबरें भेजने के लिए सिर्फ डाक और तार का ही इंतज़ाम था। खतों किताबत के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह खबरें जाती थी। अब तो टेलीफोन करके हम ज़रा सी देर में अपनी बात दूसरों तक पहुँचा देते हैं, लेकिन उस वक्त ये आलम था कि दिन में 2 बार डाकिया आता था खत लेकर, और एक बहुत मसरूफ काम था एक डाकिये का, और डाकिये को इतवार की भी छुट्टी नहीं मिला करती थी। तो रफी अहमद कुदवाई ने एक काम ये किया इस्लाह के तौर पर कि उन्होंने रात की हवाई डाक का सिलसिला शुरू कर दिया। हवाई जहाज़ के ज़रिए से डाक आसानी के साथ जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी, और उन्होंने डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलाई। जाहिर सी बात है, डाकिया भी इंसान होता है, उसे भी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी की ज़रूरत होती है। यह एक बहुत बड़ा काम था, और इसके बावजूद डाक का इंतज़ाम जो है वो धर्म भरम हो सकता था, लेकिन वो मामूल के मुताबिक चलता रहा। ये रफ़ी साहब की सूझबूझ थी कि उन्होंने डाकियों को इतवार की छुट्टी दिलाई, उसके बावजूद भी डाक का इंतज़ाम जो है वो जू का तू जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहा। दूसरा बड़ा काम रफी अहमद कुदवाई ने यह किया कि जब उनको वज़ीर ग़िज़ा बनाया गया तो राशनिंग का खात्मा कर दिया उन्होंने। पुराने ज़माने में छोटी छोटी चीज़ें भी, यानी माचिस, मोमबत्ती, साबुन और कपड़े वगैरह और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें राशन से ही मिला करती थी, लोग राशन पर ही इंतज़ार करते थे। तो उन्होंने राशनिंग का खात्मा किया, हालांकि उनकी इसके सिलसिले में बहुत ज़्यादा मतलब तनकीद भी हुई। लोगों ने कहा कि मुल्क जो है वो तबाही के अगार में जा गिरेगा, लेकिन रफ़ी साहब जानते थे कि मुल्क में गल्ला काफ़ी है और कुछ बड़े व्यापारियों ने उसे गोदामों में ज़खीरा कर रखा है। चुनाचे रफ़ी साहब ने ज़्यादा अनाज उगाओ की तहरीक शुरू की। राशन का खात्मा करने के बाद ज़्यादा अनाज उगाओ की तहरीक से काला बाजारी बंद हो गई, और जब अनाज
बाहर आ गया मंडी में, तो फिर जो जखीरा अंदोज थे उन्होंने भी अपना अनाज बाहर निकाल दिया। इस तरह राशि उठाने का तजुर्बा भी कामयाब हो गया रफी साहब का। रफी साहब की निजी जिंदगी जो है यानी जाती जिंदगी निहायत सादा और बेतकल्लुफ थी, बहुत ज़्यादा सादगी के साथ रहा करते थे। मकान भी उनका पुराना बदाफते का मकान था, सादा लिबास पहनते थे, उनकी शेरवानी वगैरह उनके कपड़े, कोई बड़ा टेलर मास्टर नहीं सीता था बल्कि उनके घर से ही सिलकर आते थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो बाहर से भी बहुत सारे लोग उनकी मैयत में शिरकत करने के लिए मसूरी जो उनका गांव था वहां पहुंचे, तो उन्हें भी यकीन नहीं आता था कि इतने बड़े मिनिस्टर का मकान इतना मामूली हो सकता है, जिसमें ना कोई फर्नीचर शानदार था और ना ही कोई शौकत थी उसमें। रफ़ी साहब बचपन से ही बहुत मिलनसार थे, दोस्तों के काम आना उनकी आदत थी, सबके काम आते थे और अपना रुपया भी उनके ऊपर खर्च कर दिया करते थे उनकी ज़रूरत के वक्त कॉलेज के ज़माने में। एक काम रफ़ी साहब के दौर में ये हुआ कि ज़मींदारी का खात्मा हो गया। रफ़ी साहब भी एक बड़े ज़मींदार थे, वो चाहते तो हिकमत अमली से अपनी ज़मीन बचा लेते, लेकिन रफ़ी साहब ने कोई तदबीर नहीं की और अपनी ज़मीन भी ज़मींदारी के खात्मे में उनकी चली गई। खिदमत खल्क इबादत की तरह करते थे, हर वक्त मसरूफ रहते थे, बहुत सुबह जल्दी उठ जाते और सुबह से शाम तक काम में मसरूफ रहते, यानी यूँ समझिए कि लेटे हुए हों बैठे हुए हों चलते फिरते हर वक्त वो काम ही करते हुए नज़र आते। इस तरह एक हमारी इंसान थे रफ़ी साहब, जिनका 60 साल की उम्र में 1956 में इंतकाल हुआ। इंतकाल के वक्त आलम यह था कि बैंक में भी उनके नाम मामूली रकम निकली, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं था, कोई उन्होंने अपने मकान नहीं बनाया, कुछ जायदाद नहीं खरीदी, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। इस तरह उन्होंने एक सादा ज़िंदगी गुजारी और एक मिसाली शख्सियत बनकर हमारे पास से वो चले गए। इस तरह आपका ये सबक रफ़ी अहमद खिदवाई मुकम्मल होता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके अल्फाज मानी कीजिए अपनी सवाल जवाब की कॉपियों में, उसके बाद इसके सवाल जवाब कराए जाएंगे, इंडेक्स बनाइएगा और इसके सवाल जवाब कीजिएगा। अपनी सवाल जवाब की कॉपियों में अल्फाज मानी करने के बाद में सवाल नंबर एक कीजिए आप, रफ़ी अहमद खिदवाई कौन थे, सफ़र नंबर 111 पर आपको इन 5 सवालों के जवाब मिलेंगे। सवाल नंबर 1 का जवाब लिखने के बाद 2 लाइनें छोड़ दीजिए और सवाल नंबर 2 लिखिए, रफ़ी अहमद खिदवाई अलीगढ़ क्यों गए, इसका जवाब भी आपको सफ़र नंबर 11 पर शुरू की आधे सफ़े पर ही मिल जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, रफ़ी साहब को कॉलेज से क्यों निकाला गया, इसी के आसपास इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 111 पर। 2 लाइनें छोड़कर अगला सवाल नंबर 4 लिखिए, मुल्क कौम की खातिर रफ़ी अहमद खिदवाई कितनी बार जेल गए, ये दूसरे पैराग्राफ की आखिरी लाइन में आपको इसका जवाब मिलेगा सवाल नंबर 111 पर। सवाल नंबर 5, रफ़ी साहब ने हवाई डाक का सिलसिला क्यों शुरू किया, आखिरी पैराग्राफ में इसका जवाब तलाश करके लिख लीजिए। फिर अगले समय पर आ जाइए सफ़र नंबर 112, सवाल नंबर 6, रफ़ी अहमद खिदवाई ने ज़्यादा अनाज उगाओ की तहरीक क्यों शुरू की, क्या मकसद था इस तहरीक का, ज़्यादा अनाज उगाओ ये तहरीक जो रफ़ी साहब ने शुरू की फूड मिनिस्टर बनने के बाद, वज़ीर ग़िज़ा बनने के बाद। सवाल नंबर 7, रफ़ी साहब के कपड़े कहाँ से सिलकर आते थे, अगले पैराग्राफ में इसका जवाब आपको मिलेगा, बहुत आसान सवाल है। सवाल नंबर 8, रफ़ी साहब का मकान कैसा था, इसी पैराग्राफ पर आखिर में इसका जवाब आपको मिलेगा। सवाल नंबर 9, रफ़ी साहब बचपन से कैसे थे, ये इसी सफ़े पर आखिरी पैराग्राफ में इसका जवाब तलाश करके लिखिए। फिर अगला सफ़ा है सफ़ा नंबर 113। सवाल नंबर 10, रफ़ी साहब लोगों का काम किस तरह करते थे। सवाल नंबर 11, रफ़ीक अहमद खिदवाई किस वक्त सोकर उठते थे। सवाल नंबर 12,
रफी साहब का नाम मेहदी दुनिया तक क्यों बाकी रहेगा, ये इस सबक के आखिर में इसका जवाब आपको मिल जाएगा सफ़ा नंबर 113 पर। तो इस तरह से आपके 12 सवाल हो गए इस सबक से। अब इसके बाद ग्रामर की कॉपी में अपना ग्रामर का काम करेंगे। ग्रामर की कॉपी निकाल लीजिए। ग्रामर की कॉपी में आपको 5 सवाल करने हैं, 5 काम करने हैं। इसमें सबसे पहले हैं 5 अल्फाज जिनको आपको अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। अज़्म, रिफाकत, दरहम बरहम, गल्ला और मज़ेदारी, ये तमाम अल्फाज आपके सबक में इस्तेमाल हुए हैं और अल्फाज मानी भी इसके मानी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से देख के इन अल्फाज को, इनके मानी को नहीं बल्कि इन अल्फाज को अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए और अच्छे अच्छे मेयारी जुमले बनाइए ताकि आपको जुमले बनाने के भी अंदाज़ा हो और जुमले बनाने आए। दूसरे नंबर पर मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द, ये काम करना है। तीसरा काम वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाने का है। ये चंद अल्फाज दिए हुए हैं, बहुत आसान है। इनमें कुछ अल्फाज वाहिद के हैं, कुछ जमा के हैं। जो अल्फाज वाहिद के हैं उन्हें यहाँ लिखते जाइए वाहिद के नीचे एक एक करके, और जो अल्फाज जमा के हैं उन्हें छाँट छाँट के यहाँ लिखते जाइए जमा के नीचे। वाहिद की जमा बना दीजिए एक एक करके और जो जमा के अल्फाज हैं उनका वाहिद बना दीजिए। इस तरह से आप इस काम को कीजिए। इसके बाद चार नंबर पर पढ़िए और समझिए सफ़ा नंबर 116 पर। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, ये काफ़ी अहम काम है। जिस तरह से फुल स्टॉप वगैरह और दूसरे अलामतें, दूसरे निशानात होते हैं इंग्लिश में, इसी तरह उर्दू में भी कुछ अलामतें और कुछ निशानात होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है ये आप इसमें समझेंगे। पढ़िए और समझिए सफ़ा नंबर 116 पर। ये काम भी आपको करना है ताकि ये भी कुछ समझ में आए और ये भी आपको याद रहे। रेगिस्तान में ऊँट सवारी और बार बर्दारी के काम आता है। सवारी यानी के सवारियों को ले जाने के इधर उधर, और बार बर्दारी कहते हैं सामान उठाने के। तो रेगिस्तान में ऊँट जो है वो दो काम आता है। सवारियाँ भी जो है वो इधर से उधर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, सफ़र करती हैं, और सामान भी उठाने का काम किया जाता है ऊँटों से रेगिस्तान में। अब नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, ऊपर के जुमले में पूरी बात कही गई है। जब जुमला पूरा होता है यानी सेंटेंस पूरा होता है तो इस तरह का निशान लगाते हैं। निशान लगा के यहाँ पर बताया गया है ब्रैकेट में, इसे फुल स्टॉप कहा जाता है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू में इसे खत्मा कहते हैं। इंग्लिश में तो एक पॉइंट लगता है और उर्दू में ये छोटी सी एक लाइन लगती है जो जुमला ख़त्म होने के बाद लगाई जाती है। तो खत्मा, ख़त्म से खत्मा बना है, खत्मा कहते हैं इस निशान को जिसे इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। अगली लाइन में देखिए, तीसरी लाइन, किसी का मुकाबला उससे ज़्यादा ताकतवर, बड़े या ज़बरदस्त हो तो उसका, उसकी बड़ाई का भरम खुल जाता है। इस जुमले में ताकतवर के बाद थोड़ा ठहरना पड़ता है। ये ठहरना कम वक्फे का होता है यानी कि थोड़ी देर का होता है, थोड़ा वक्फा ले लिया जाता है इसमें, इस निशान से जाहिर करते हैं, जिसे कॉमा कहा जाता है इंग्लिश में। ये निशान जो है आप देख रहे हैं ताकतवर और बड़े ज़बरदस्त के बीच में, और यहाँ ब्रैकेट में लगा के बताया गया है आपको, इस निशान से जाहिर करते हैं, ये सख्ता कहलाता है। सख्ता यानी थोड़ी देर का ठहरना। अगली लाइन में देखिए, बड़ी बहन ने कहा महमूद, उसके बाद कॉमा लगाया गया यानी कि सख्ता जिसे उर्दू में कहा जाता है, जब तुम उड़ना सीख लो तो मुझे भी अपने साथ ले चलना। इस जुमले से साफ पता चलता है कि बड़ी बहन ने क्या कहा। जब किसी शख्स की कही बात उसके अल्फाज में कही जाए तो शुरू और आखिर में ये निशान लगा देते हैं जिन्हें इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं आप इंग्लिश में, और इन निशानात को यहाँ ब्रैकेट में दिखाए गए हैं वोवेल कहते हैं। क्या कहते हैं निशानात को? वोवेल, यानी इन्वर्टेड कॉमास को वोवेल कहा जाता है उर्दू में। बड़ी बहन ने कहा के बाद जो निशान यानी कि दो पॉइंट ऊपर नीचे लगाते हैं, इसे कॉलम कहा जाता है इंग्लिश में, तो इसे यहाँ पर राबता कहते हैं उर्दू में राबता। ये सभी निशानात रुमूज़ औक़ाफ़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सभी निशानात रुमूज़ औक़ाफ़। तो आज इसमें आपने क्या ये समझा कि रुमूज़ औक़ाफ़ क्या होता है और इन निशानात को क्या कहा जाता है। ये दो निशाने इनको राबता कहते हैं उर्दू में, और बाकी निशानात के नाम भी आपने यहाँ पर पढ़े।
तो इसको भी समझ समझ के अपनी ग्रामर की कॉपी में कीजिए, इंडेक्स बनाइए, काम साफ सुथरा कीजिए, समझ समझ के कीजिए। शुक्रिया।